हे दोस्तों, टोफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों के बारे में। जा रहा है टाइगर ऑन मिशन दोबारा। काफी दिनों से बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों पर भी एक वीडियो बनाओ। तो सलमान खान की अभी टोटल 4 फिल्में कन्फर्म है। एक फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म होने वाली है, दूसरी फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों में स्टार्ट होगी, तीसरी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीट है और चौथी फिल्म की स्टोरी पर केवी विजेंद्र प्रसाद काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और फिल्मों की कहानी लिखी जा रही है। वहीं एक और फिल्म यशराज के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होगी। तो सलमान खान की भी काफी सारी फिल्में आने वाली हैं। चलिए जानते हैं सलमान खान की आने वाली 5 बड़ी फिल्मों के बारे में। नंबर 5, टाइगर 3। अभी हर कोई टाइगर 3 का इंतजार कर रहा है, खास करके सलमान खान के फैंस इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे तो हर फिल्म के लिए होते हैं, लेकिन जब बात टाइगर फिल्म सीरीज की हो तो वो फिल्म थोड़ी सी खास तो होगी ही। एक और खास बात यह है कि फिल्म में इमरान हाशमी मेन विलन के रोल में नजर आएंगे, साथ ही फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो भी देखने मिलेगा। तो बहुत कुछ इस फिल्म में खास होने वाला है। अब फिल्म कितनी ज्यादा खास होगी तो ये फिल्म आने पर ही पता चलेगी। टाइगर 3 की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में खत्म होने वाली है और जैसा कि कहा गया है कि ये फिल्म इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। देखते हैं ऑफिशियल रिलीज डेट कब तक आती है। नंबर 4, कभी ईद कभी दिवाली। हर कोई जानता है कि ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म रिलीज होती है, लेकिन इस साल 2022 में कोविड की वजह से ईद पर सलमान खान की फिल्म नहीं रिलीज होगी। जी हाँ, लेकिन 2023 के लिए सलमान खान ने पहले से ही प्लान कर लिया है। काफी टाइम से रुकी हुई सलमान खान की एक्शन कॉमेडी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली 2023 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म को हाउसफुल 4 और बच्चन पांडे फिल्म के डायरेक्टर फरहा सामजी डायरेक्ट करेंगे। तो अगले साल ईद के मौके पर कभी ईद कभी दिवाली रिलीज होगी। नंबर 3, नो एंट्री सिक्वल। जैसे कि सलमान खान ने अपने जन्मदिन पर कहा था कि वो टाइगर 3 के बाद नो एंट्री सिक्वल की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। टाइगर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नो एंट्री शायद होगी और कभी ईद कभी दिवाली शायद होगी। लेकिन अब जब कभी ईद कभी दिवाली की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है तो इस फिल्म की शूटिंग 2023 में स्टार्ट होगी। ये एक ट्रिपल रोल फिल्म होगी जिसमें नो एंट्री की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिलेगी। जी हाँ, सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान। फरदीन खान के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही अपडेट आया था कि उन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा फिट कर लिया है और वो बहुत जल्द बॉलीवुड में वापसी करने वाले हैं। तो नो एंट्री सिक्वल की शूटिंग 2023 में स्टार्ट होगी। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से कम्प्लीट है जिसे अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। नंबर 2, पवन पुत्र भाईजान। जी हाँ, बजरंगी भाईजान का भी सिक्वल आने वाला है। कुछ दिनों पहले ये फिल्म काफी ज्यादा सुर्खियों में थी जब अपडेट आया था कि केवी विजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बजरंगी भाईजान की कहानी लिखी थी, अब वो इसके सिक्वल की कहानी भी लिख रहे हैं और फिल्म का नाम पवन पुत्र भाईजान रखा जाएगा। फिल्म से जुड़ी अभी ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन सलमान खान ने कहा था कि नो एंट्री सिक्वल और कभी ईद कभी दिवाली के बाद इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। उन्होंने बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट लिखी है जो कि उन्होंने टाइटल दिया है पवन पुत्र भाईजान। तो ये 2 पिक्चर है, उसके बाद वो कर लेंगे। यानी कि फिल्म की शूटिंग 2023 में स्टार्ट होगी और इस फिल्म को 2024 में ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा। अब देखो, अगर कोई और राइटर फिल्म की कहानी लिखते तो हम सोच सकते थे कि भाई पता नहीं फिल्म आएगी या कब आएगी, लेकिन जब बात केवी विजेंद्र प्रसाद की हो तो कन्फर्म है कि ये फिल्म जरूर आएगी। नंबर एक की फिल्म अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन काफी सारी फिल्में हैं जो आगे सलमान खान करने वाले हैं, जैसे कि रविंद्र कौशिक की बायोपिक ब्लैक टाइगर। काफी दिनों से खबरें आ रही हैं कि सलमान खान ब्लैक टाइगर में रविंद्र कौशिक जी का रोल प्ले करने वाले हैं। उसके अलावा दबंग 4 की कहानी इन दिनों तिग्मांशु धुलिया लिख रहे हैं, साथ ही एक जंगल एडवेंचर की कहानी लिखी जा रही है जो सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में बनेगी। और हाँ, इसके अलावा मास्टर रिमेक की भी घोषणा की गई है, लेकिन वो फिल्म कब तक आएगी अभी कुछ कंफर्म नहीं है। एक और फिल्म है जो इस लिस्ट में शामिल है और मुझे लगता है कि यही फिल्म सलमान खान की 5वीं फिल्म होगी, यशराज के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान लीड रोल में नजर आएंगे। खबरों की माने तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद फाइटर फिल्म के बाद इसी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें यही दोनों कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। आप सलमान खान की किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं?
हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।